प्रश्न है, शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का विमे सूत्र क्या है? शक्ति एक सदिश राशि है या अदिश राशि? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सूत्र है इसका शक्ति बराबर कार्य बटे समय, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब हम इसके एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो शक्ति का एसआई मात्रक हमें निकालना है तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू, कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में अगर एक जूल कार्य होता है, एक सेकेंड में कोई वस्तु एक जूल कार्य करती है तो उस वस्तु की शक्ति वन वाट, एक वाट कहलाती है। तो कार्य जूल बटे सेकेंड मतलब एक वाट, एक जूल, एक सेकेंड में एक जूल कार्य किया जाता है तो वस्तु की शक्ति वाट कहलाती है। अब कार्य का विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा? शक्ति का विमीय सूत्र हमें निकालना है तो शक्ति का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र क्या है? कार्य W इज इक्वल टू एफ डी, एफ डी देखो P, शक्ति यानी P, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और W मतलब F डॉट D अपॉन T, और F मतलब M A D बटे T, M यानी द्रव्यमान और A मतलब त्वरण, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और D, D मतलब L और T, तो ये हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ये आपके शक्ति का विमीय सूत्र है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हुआ। तो किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, या कोई कार्यकर्ता इकाई समय में जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। तो शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है। यदि कोई कार्य टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है, यदि कोई कार्यकर्ता टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो उसकी शक्ति पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होगी, और एक सेकेंड में अगर एक जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति एक वाट के बराबर होगी। तो इस तरीके से आप शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं।